तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। कल से मैं डिप्रेशन में हूँ जब कमेंट में किसी ने बताया कि बाबर का क्वेश्चन पूछने वाला टेररिस्ट होता है। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। अब समझ आया कि कौन लोग होते हैं जो 6th 7th क्लास में ही हिस्ट्री में फेल हो जाते हैं। चार बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, जब आगे किसी एग्जाम में हिस्ट्री आएगी तो तुम स्कूल वालों को टेररिस्ट बोल देना। फन वे में या क्विज के रूप में याद करना आसान होता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन रखता हूँ ताकि जनरल चीजें आपको याद होती रहें। नॉलेज को रिलीजियस एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है फौजी भाई के बारे में। तो रॉकी भाई के अकॉर्डिंग फौजी भाई है अभी के बेस्ट कैप्टन। रॉकी भाई बेस्ट कैप्टन बताइए। देखिए अभी तक तो मैं समझता हूँ स्टिल इट्स फौजी अजय, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें टीम जब भी मुसीबत में होती है निकालते हैं कैप्टन। मेरे हिसाब से वो बड़ा होता है जो एक मुश्किल सिचुएशन में भी आपको टूर्नामेंट निकाल के दे। डेफिनेटली स्टिल फौजी अजय, टाइम दर टाइम अपने आप को प्रूव कराए उन्होंने। अगली अपडेट है वाइपर की तरफ से। तो वाइपर ने बताया कि ट्रैश टॉक क्या होती है। व्हाट इज ट्रैश टॉक? आई डोंट नो। ट्रैश टॉक, ट्रैश टॉक इज बेसिकली इसी की, कैसे बताऊं तुमको, मैं जेन्युइन वे में ट्रैश टॉक का मतलब समझाता हूं। बेसिकली सामने वाले को तोड़ के रख देना बाय सेइंग फैक्ट्स। लाइक बच्चे लोग आर्ग्यूमेंट में क्या करते हैं, तेरी माँ की, तेरे बाप की, तेरी बहन की, ये करते ना। ट्रैश टॉक में आप सामने वाले बंदे, सामने वाली टीम, किसी को भी तोड़ मरोड़ के रख देते हो। लाइक एंड बाय स्पीकिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स ठीक है, और बैंटर्स। ट्रैश टॉक इज लाइक स्ट्रेचिंग इन क्रिकेट। एग्जैक्टली। अब बढ़ते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है गैस द वॉइस। कल की आवाज थी फौजी भाई की, अब आज की आवाज गैस करो। एग्जाम में कुछ मिले ना मिले ये तो बात की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना ब्रो। नेक्स्ट अपडेट है किलर के बारे में। तो किलर को लगता है FF का डाउनफॉल बैन की वजह से नहीं बल्कि रिवाइवल सिस्टम की वजह से आया है। तुम्हें क्या लगता है बताना, बट पर्सनली मुझे ये रिवाइवल सिस्टम अच्छा नहीं लगता। अगली अपडेट है सनशाइन ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो उन्होंने अमीन, मनीष, पंडित, मजनू और विंस मॉक को हायर कर लिया है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। अब हम भरते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है जीके चेक। कल का आंसर है ये, चलो आज बताओ किस राजा ने मोहम्मद गौरी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में। अगली अपडेट है कॉस्मिक ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो आओ जानते हैं टीम में सबसे ज्यादा गुस्सा कौन होता है। चलिए अच्छी बात जी। इसी चीज से मैं सेम एक और चीज उठाना चाहूंगा कि टीम में सबसे हाइपर प्लेयर कौन सा है, लाइक जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है कि मतलब हम जीत सकते थे यार, हम क्यों हार गए, या फिर यहाँ पे तेरी गलती थी या फिर वहाँ पे मेरी गलती थी, कौन है ऐसा? साहिल है, बट वो चिल्लाता नहीं है, वो गुस्सा होके सीधा ऑफलाइन हो जाता है, उसको गुस्सा बहुत हो गया है, वो तो चला जाता है। जी जी मेरे को खेलना ही दिया, मेरे को खेलना ही दिया, मेरे को गिव अप, मेरा हो गया। गद्दारी कर बे। नेक्स्ट अपडेट है रोकी भाई के बारे में। तो उन्होंने बताया कि क्या वो दूसरे गेम्स कास्ट करेंगे। रॉकी भाई इंडिया का गेम आएगा तो इंडिया का, हाँ ब्रो अगर उस टाइम पे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा करेंगे। देखिए मैं कास्टर हूँ, ठीक है, मैं कास्टर हूँ तो मैं कोई भी गेम कास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने कभी नहीं बोला ये गेम अच्छा ये गेम बुरा ये वो। हाँ फ्री फायर से मुझे नाम मिला है, मैं इस चीज़ के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा इस गेम का, इस गेम की ऑडियंस का। बट एज अ प्रोफेशनल कास्टर आई शुड कास्ट इन ईच एंड एवरी मैच, ईच एंड एवरी गेम। तो मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही करेंगे, वरना अभी नहीं, अभी तो जैसा चल रहा है वैसे ही हम खुश हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर्स और टीम्स की न्यूज़ देखने आते हैं, बट कुछ लोग हैं जो काफ़ी दिनों से स्टोरी टाइम की रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं। मुझे भी लगा कि मेरी तुम्हारी बातचीत का आखिरी समय चल रहा है।
क्योंकि कुछ दिन बाद सब चले जाएंगे अपने रास्ते, तो क्यों ना उससे पहले ही बता दूं, इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे एंड सिर्फ ई-स्पोर्ट्स वाली स्टोरी बताऊंगा। तो एक्चुअल मेरी ई-स्पोर्ट्स की कहानी शुरू हुई 2017 के बाद। गेमिंग में इन्वॉल्व था पहले भी, बट ई-स्पोर्ट्स पबजी मोबाइल के लॉन्च के बाद, पबजी या BGMI के जो यूट्यूबर्स हैं अभी टॉप पे, चाहे फिर मॉर्टल हो, डायनेमो हो या स्काउट हो, इन सबको मैंने शुरू से ग्रो करते देखा है। तो मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था, हम हॉस्टल में भी साथ में रहते थे बट रूम्स अलग थे, तो वो पबजी मोबाइल को काफ़ी पहले से खेल रहा था। फिर कुछ दिन बाद हमने नोटिस किया, बट प्रॉब्लम थी कि हम लोगों के 1 GB वाले मोबाइल में गेम डाउनलोड तो हो गया बट चल ही नहीं रहा था। गेम स्टार्ट करते ही ऐप क्रैश हो जाती थी। फिर हमने लैपटॉप में खेलने का बंदोबस्त ढूंढा और खूब रिसर्च करने के बाद एमुलेटर डाउनलोड किया, और जब डाउनलोड किया उसके बाद हम 4 लोगों ने, मैं और मेरा रूम पार्टनर और जिस फ्रेंड ने बताया था वो और उसका रूम पार्टनर, हमने 2 दिन लगातार ये गेम खेला। बस वॉशरूम जाने के लिए और खाने के लिए उठते थे। कुछ दिन में हम काफी इन्वॉल्व हो गए गेम में और धीरे धीरे पूरा हॉस्टल खेलने लगा। ऐसा चलते हुए कुछ टाइम हुआ और मैंने शौक शौक में अपना चैनल बनाया, और कुछ दिन बाद डिसाइड करा कि एक छोटा सा टूर्नामेंट कराते हैं, शायद कुछ रीच मिल जाए। अब मैंने डिस्कॉर्ड बना लिया था और एक वीडियो जिसमें मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा था वो बना के डाल दी चैनल में कि कैसे टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। उस पर व्यूज तो आए नहीं। फिर उसी समय ओशन शर्मा के 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे और हम कुछ लोग रैंडमली उसके डिस्कॉर्ड सर्वर पे रात में ऑडियो कॉल पे बात करते थे, और वो कभी कभी टूर्नामेंट्स को फ्री में प्रमोट कर देता था। तो मैंने उससे बात की और उसने मेरी वीडियो अपनी कम्युनिटी टैब पे प्रमोट की। उस पर 7,000 कुछ व्यूज आ गए और मेरे डिस्कॉर्ड पे उससे 700-800 मेंबर आ गए और सबने रजिस्टर करा। मैंने सिंगल हैंडेडली वो टूर्नामेंट मैनेज किया, बट लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया क्योंकि मेरा लैपटॉप स्ट्रीमिंग का लोड नहीं ले पा रहा था, OBS क्रैश कर रहा था बार बार। बट उसके बाद हम स्क्रिम्स वगैरह कराते थे फ्री वाली। उस टाइम T1 स्केल की स्क्रिम्स सिर्फ केतन कराता था अपने चैनल पे। उसके कुछ टाइम बाद ब्लेजर ई-स्पोर्ट्स वालों ने भी शुरू कर दिया और देखते देखते इस बिजनेस में काफी लोग आ गए। मैं खुद भी गेम खेलता था बट ई-स्पोर्ट्स खेलने लायक डिवाइस ही नहीं था। कुछ टाइम बाद पोको F1 लिया और मैंने 4 फिंगर फुल गायरोस्कोप के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करी। T2 लेवल तक मैं पहुंच गया था और काफी बार T1 टीम्स के अगेंस्ट भी खेला हूं, जैसे अभी T1 T2 का भी खेल लेते हैं ना साथ में, वैसे ही। अब आगे का पार्ट बाद में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलो हम मिलेंगे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।